SN Live सच सबसे आगे। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान के चश्मा व्यवसायी पर जानलेवा हमला। सिवान के चश्मा व्यवसायी को मैरवा के एक चश्मा व्यवसायी से अपना ही बकाया पैसा मांगना महंगा पड़ गया। मैरवा के दहली चश्मा घर के मालिक ने जानलेवा हमला किया है, जिससे धारदार लोहे के राड से सिर पर पीछे से वार करने से सिर फटने से जमीन पर गिर गया और खून से लथपथ हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सिवान के मौलेश्वरी चौक के सुरेश चंद्र गुप्ता के पुत्र मनीष कुमार हैं। मामले में उसने मैरवा थाने में आवेदन दिया है। उसने दहली चश्मा घर के मालिक लक्ष्मण प्रसाद को आरोपित किया है। कहा है कि मैंने अपना बकाया 50,000 रुपया लक्ष्मण प्रसाद से मांगने के लिए गया था। लक्ष्मण प्रसाद ने आग बबूला होकर लोहे के राड से सिर पर हमला कर दिया। घायल ने बताया कि लगभग 1 साल से बकाया पैसा की मांग की जा रही है। इसके लिए पंचायत भी हुई थी। पंचायत में सबके सामने मई में रुपए देना स्वीकार किया था। ऐसे लाइव से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।